नमस्कार, मैं प्रिया तायल, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के विधायक इसफ अली ने श्रीलंका हालातों को देखने के बाद मीडिया में आकर भारत में पीएम मोदी का वही हाल होगा जो श्रीलंका में हुआ है, जो श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटाबाय राजपक्षे का हुआ है। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए इदरिस अली ने कहा कि श्रीलंका में जो हाल राष्ट्रपति का हुआ है, वो हाल तो मेरे ख्याल से यहाँ अब पीएम मोदी का भी होगा। उनका वही हाल होगा जो राष्ट्रपति राजपक्षे का हुआ है। भारत में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे प्रधानमंत्री का हाथ है, वो उनकी असफलता है। श्रीलंका में जो हुआ शायद उससे ज्यादा यहाँ हो और पीएम मोदी को देश छोड़कर भागना पड़े, उन्हें इस्तीफा देकर भागना पड़े। दरअसल श्रीलंका में पिछले दिनों सरकार का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में घुस गए। उन्होंने राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रपति को ही उनके आवास से बाहर कर दिया। इसके बाद वहीं प्रदर्शनकारी भवन के बिस्तर पर आराम फरमाते, खाना पकाते, सेल्फी लेते और स्विमिंग पूल में तैरते हुए नजर आए थे। भारत ने भी श्रीलंका में घटती घटनाओं को लेकर अपना बयान जारी किया था। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस समय को कठिन दौर बताते हुए कहा कि हम श्रीलंका को लेकर बहुत सहायक रहे हैं, हम हर संभव मदद कोशिश कर रहे हैं, वे अपनी समस्याओं पर काम कर रहे हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है। आपको बता दें कि श्रीलंका में ये हालात कर्ज में डूबने के बाद हुआ है। वहां सड़क पर प्रदर्शनकारी इसलिए हैं क्योंकि उनकी बुनियादी जरूरत तक पूरी नहीं हो पा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज के साथ।